अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं एक और मज़े की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है बेकरी स्टाइल के मिनी पिज़्ज़ास। ये पिज़्ज़ास ना सिर्फ बच्चों को पसंद है, बल्कि बड़े भी इसे शौक़ से खाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही चीज़ी आज हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमें कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। साथ ही मैं इसमें बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहती तो आप 3 टेबलस्पून ऑयल ले लें। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने के चम्मच ऑयल ले रही हूँ और 2 खाने के चम्मच बटर ले रही हूँ। ये 2 अदद प्याज हैं लार्ज साइज़ के, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज याद रखें, प्याज को आपने बारीक ही चॉप करना है। अब हम इसे लो टू मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। इसे नरम करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। नरम हो जाने पर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसमें शामिल करके भूनना है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं चिकन टिक्का मसाला इसमें डाल रही हूँ, 1 खाने का चम्मच। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकती हैं। ज़ीरा पाउडर मैं इसमें डालूँगी, 1 खाने का चम्मच। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मसाला हमारा जलने ना पाए। ये थाइम है, और ये अगर अवेलेबल हो तो आप इसमें शामिल कर सकती हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें थाइम शामिल कर रही हूँ। ऑरेगानो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। स्पून में ये ठीक तरह से आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पून में निकाला है, बाकी मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। टोटल मैं इसमें 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करूँगी। ये सफ़ेद मिर्च है, ये हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें उबली हुई और रेशा की हुई चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन मैंने नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लिया था। तकरीबन 400 ग्राम चिकन था। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हसबे जायका ऐड कर सकती हैं। चिकन और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको चिकन टिक्का मसाला ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। चिकन की जो यखनी थी वो हम इसमें 1 कप ऐड करेंगे। ढककर हमने इसे नरम होने तक पकाना है ताकि चिकन भी नरम हो जाए और मसाले इसके अंदर तक चले जाए और जो प्याज है वो भी अच्छे से नरम हो जाए। अब हम इसे ढककर इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे। 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी अच्छे से खुश्क करेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये फुल फैट दूध है, ये हम इसमें डालेंगे 1/2 कप। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चाइनीज सॉल्ट। ये अजीनोमोटो है, जिसे चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं। ये मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, ये मस्ट है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप 1 अदद चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे और भूनकर इसे ढककर पकाएंगे। ढककर हमने मजीद इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। फ्लेम आपने लो ही रखना है। 6 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकती हैं कि ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है और जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो गया है। इसका पानी अच्छे से ड्राई करने के लिए हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। याद रखें कि ये अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो ये मिक्सचर आपका सही नहीं बनेगा। 3 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन जाए। अच्छी तरह से हमने इसे 2 से 3 मिनट या ज़्यादा 4 मिनट भी आप इसे भून सकती हैं ताकि ये अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो जाए और इसमें नमी बिल्कुल भी ना रहे। मसाला बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। लास्ट में हम इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे और ये मिक्सचर हमारा रेडी है।
अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। याद रखें कि गरम मिक्सचर आपने कभी भी पिज़्ज़ा में इस्तेमाल नहीं करना, वरना पिज़्ज़ा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर मतलब कि आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, किचन में ही पड़ा रहने दें, अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। अब हम एक पतीला लेंगे, ओवन में भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और इसमें भी ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है 200 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए, और पतीले में मैंने नमक शामिल कर लिया है। नमक के ऊपर मैं स्टैंड रखूंगी और इसे ढककर हम 20 मिनट के लिए इसे भी प्रीहीट करेंगे। ये देखें आंच इसकी इतनी होनी चाहिए, यानी कि लो टू मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सिंपली जो बाज़ार वाले हैं वो पिज़्ज़ा सॉस वगैरह नहीं यूज़ करते, नॉर्मल चिली गार्लिक सॉस यूज़ करते हैं या फिर इस तरह का सॉस बनाकर यूज़ करते हैं। एक कप मैं केचप ले रही हूँ और इसमें प्याज का पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। एक चाय का चम्मच मैंने प्याज का पाउडर शामिल किया, एक चाय का चम्मच मैं इसमें लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी शामिल कर सकती हैं। ओरिगानो हम फिर से इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि केचप में अपना नमक मौजूद होता है इसलिए मैं इसमें नमक नहीं यूज़ कर रही। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये पिज़्ज़ा के ऊपर लगाने के लिए सॉस हमारा रेडी है। ये पिज़्ज़ा डो है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। ये अच्छे से राइज हो चुका है, ये आप देख सकती हैं। इसे अब हम एक सरफेस पर निकालेंगे। सरफेस पर पहले से आपने खुश मैदा छिड़क लेना है, हल्का हल्का सा मैदा छिड़कते हुए हमने इसे बेल लेना है। तकरीबन आधा इंच या फिर इससे भी कम मोटाई वाली आपने रोटी बेलनी है। अगर आपको थिक क्रस्ट चाहिए तो आप इसे मोटा बेल सकती हैं, अगर आपको थिन क्रस्ट चाहिए तो आप इसे आधा इंच से कम बेल सकती हैं। अब हम इस तरह कोई कटर लेंगे या फिर छोटा या बड़ा कोई ढक्कन लेंगे या फिर कोई इस तरह का कप लेंगे और इसे गोल गोल कट करेंगे, या साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा बना सकती हैं। छोटे पिज़्ज़ा आपको बाइट साइज़ की चाहिए तो आप इससे भी छोटा बना सकती हैं। इस तरह करके हम सारे कट कर लेंगे। और जो बीच में आप हाथों की मदद से या फिर किसी ग्लास की मदद से इस तरह करके बीच में आप जगह बना लें, साइड में आप ऐसे ही इसे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मोटा ही रहने दें। एक पिज़्ज़ा पैन लेंगे या फिर आप कोई सी मेटल का इस तरह करके कोई ढक्कन भी ले सकती हैं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन ले रही हूँ, इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसमें जो पिज़्ज़ा हमने कट करके रखा हुआ था वो सारे हम इसमें डालेंगे। इस तरह करके हम इसमें लगाएंगे और कांटे की मदद से हम इसे प्रिक करेंगे। कांटे की मदद से इस तरह करके हमने इसे प्रिक कर लेना है ताकि बहुत ज़्यादा राइज ना हो। इसके ऊपर अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकती हैं। बीच बीच में ही लगाएं, साइड पर आप ना लगाएं। इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर दोनों यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ मिक्सचर, चिकन का मिक्सचर हम लगाएंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकती हैं। थोड़े से कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्चें आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके ऊपर लगा सकती हैं, जितनी बच्चों को पसंद हो या जितना घर वालों को पसंद हो। तो इस तरह करके आप शिमला मिर्च और टमाटर लगा दें। अगर पसंद करते हो तो आप प्याज भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से इसमें मोर्टाडेला या फिर हॉट डॉग्स या फिर कुछ भी ऐसा करके चिकन फ्रैंक्स हो तो आप वो रख सकती हैं। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। एक एक जैतून काट के मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो में मज़ीद डाल रही हूँ। अब हम एक अंडा फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से इसके ऊपर और साइड्स पर लगाएंगे, और जो मिक्सर है उसको हम हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसको प्री हीटेड पतीले में रखेंगे। पतीला हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम इसको पतीले में रखेंगे और इसे लो
बिल्कुल लो हीट पर हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा आपने नहीं पकाना, 10 मिनट बाद आप खोलकर देख लें ये अच्छे से पक गए होंगे। ये आप देख सकते हैं ऊपर से चीज़ मेल्ट हो गई है, नीचे से भी ये कुक हो गए हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें नीचे से ये अच्छे से कुक हो गए हैं। ज़्यादा अगर आप इसे कुक करेंगी तो ये नीचे से इसका क्रस्ट जो है वो सख्त हो जाएगा। तो 10 से 12 मिनट ही लगते हैं इसे कुक होने में। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह ओवन में बनाने के लिए भी हम ओवन ट्रे लेंगे और इसके ऊपर पिज़्ज़ा रखकर सारे बना लेंगे। ये आप देख सकती हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी साइड्स ऊंचे करने के लिए मैंने हल्का सा इस तरह करके एक पट्टी बनाई है और इसके ऊपर लगा लिए हैं। कोई कोई ऐसा भी करता है जो कि बेकरी वाले होते हैं, तो थोड़े से इसके साइड्स ऊंचे रखने के लिए साइड में इस तरह करके पट्टी भी लगा देते हैं। बीच में मैंने इसी तरह फोर्क की या कांटे की मदद से प्रिक किया और सारा जो मसाला था सब कुछ, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह सब मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगाना चाहती हैं वो आप लगा सकती हैं। लेकिन बेसिकली वो सिर्फ टमाटर और शिमला मिर्च ही लगाते हैं और चिकन लगाते हैं, बाकी आप अपनी पसंद की टॉपिंग कर सकती हैं। इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मज़ीद इसके ऊपर चीज़ भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं, लेकिन बाज़ार वाले थोड़ा कम ही डालते हैं। इसी तरह करके हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और इसे बेक करेंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बेक हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इस तरह करके हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और एक बात बताती जाऊँ, इसकी फ्रेशनेस बरकरार रखने के लिए इसको आप किसी प्लास्टिक रैप से कवर करके रखें, यानी कि एक एक पिज़्ज़ा अलग अलग करके प्लास्टिक रैप से कवर करके आप रख सकती हैं। आप इसे बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं और बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।